हैं और जानकारी रहते हैं कि परिसंघ की रैली के अंदर जहां बहुत तादाद है और बहुत तादाद के अंदर कुछ लोग आए हुए हैं और उनके हाथों में नीले नीले झंडे हैं और आरक्षण बचाओ रैली का जो झंडे हैं हमारे बीच में सैन रविंद्र राणा जी आई, हम जानकारी लेते हैं। राणा जी, आज का जो ये रैली है परिसंघ की रैली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण बचाना है जी। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में जो हालात हैं जी, जो संपन्न जातियां, जो आज हमारे देश की जो संपन्न जातियां हैं वो भी आज आरक्षण की मांग कर रही हैं और जगह जगह प्रत्येक प्रदेश में कहीं ना कहीं आंदोलन किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक भावना है गरीब वर्ग में, शोषित वर्ग में, कि भाई उनके जो आरक्षण का अधिकार है कहीं वो कम ना हो जाए। लेकिन उसी की चेतना के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि सरकारी सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं हैं जी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं बनिस्पत सरकारी। तो हमारा यह आग्रह है सरकार से, भारत सरकार से, कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाए, चाहे वो एससी एसटी है, चाहे वो ओबीसी वर्ग है, सभी का आरक्षण लागू किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी इन वर्गों को, शोषित वर्गों को, उनका आरक्षण का संविधान के तहत अधिकार दिया जाए। रविंद्र जी, मैं आज जो ये आज परिसंघ की रैली है इसको संबोधित करने के लिए डॉक्टर उदित राज जी यहाँ आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो एक वो सत्ता में होते हुए भी उन्हें क्या आरक्षण बचाओ रैली की जरूरत पड़ी? वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही क्वेश्चन उठाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातों को मंगवाने की बात करते। देखिए, एक सांसद के नाते, क्योंकि जनता ने चुना है तो वो सांसद है, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे भारतवर्ष से जो शोषित वर्ग है उसकी आवाज़ को भी दिखाना चाहती है, क्योंकि सांसद तो एक क्षेत्र विशेष का होता है और वो जो आवाज़ आज ही आवाज़ उठाई जा रही है पूरे भारतवर्ष के शोषित वर्ग की आवाज़, चाहे वो तो वहाँ एक कानून जहाँ बनते हैं सारे नेता वहाँ बैठ के अपनी बातों को रखते हैं, तो उदित राज जी को भी इसी तरीके से वहाँ पार्लियामेंट के अंदर अपने क्वेश्चन उठाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप देखिए, आज जो जन सैलाब उमड़ा है उनके आवाज़ को उठाने के लिए, इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए, मांग को उठाने के लिए, तो निश्चित रूप से देखिए सरकार भी इस चीज़ पर गौर कर रही है। इसमें हमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार भी जो है आरक्षण के लिए वो अपना काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं कि दिखाया भी जा रहा है। और निश्चित रूप से उदित राज जी जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो रैली, ये महारैली जो आयोजित की गई है शोषित वर्ग के द्वारा, एससी एसटी दलित वर्ग के द्वारा, ओबीसी के द्वारा, तो उसमें ये ताकत मिलेगी उदित राज जी को भी कि पार्लियामेंट में वो इन वंचित वर्गों की, शोषित वर्गों की आवाज़ को दमदार तरीके से उठाएंगे और इसका, क्योंकि पार्लियामेंट अभी चालू है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पार्लियामेंट के जो हमारे अन्य एमपीज हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो दलित वर्ग से हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग से, चाहे वो सामान्य वर्ग से, सभी आज देखेंगे कि किस प्रकार पूरे भारत के शोषित वर्ग आज अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आया हुआ है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से इस सेशन पर पड़ेगा और कुछ ना कुछ भारत सरकार इस पर ठोस निर्णय लेगी।